नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे और मैंने कहा जुड़े एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सुखोई 30 पे नॉन रशियन वेपन के इंटीग्रेशन को लेके। रशिया ने अपने कुछ कंसर्न जताए हैं और वो इस पूरे प्रोसेस से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और रशियंस का मानना यह है कि इंडिया और इंडियन ऑफिशियल्स बिना रशिया को बताए सुखोई 30 पे ये सारे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को लेके रशिया इतना क्यों कंसर्न है और ये पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस किस तरह से सुखोई 30 के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं रशिया चिंतित है। तो इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को जानेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, तकरीबन 9 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ वी एल धनोआ जी रशिया के दौरे पे थे और इसी दरमियान उन्होंने रशिया में बहुत सारे फाइटर जेट फैसिलिटी को विजिट किया। और इसी दरमियान रशियन ऑफिशियल्स ने एयर चीफ को अपनी नाराजगी के बारे में बताया कि वो सुखोई 30 पे नॉन रशियन वेपन के इंटीग्रेशन को लेकर ज़्यादा खुश नहीं है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सुखोई 30 पे नॉन रशियन वेपन्स जैसे कि इंडिया का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्रा, इजरायली मिसाइल आईडरबी और शॉर्ट रेंज मिसाइल ASRAAM जो कि एक यूरोपियन मिसाइल है जिसे MBDA ने बनाया है, तो इन सभी के इंटीग्रेशन को लेके कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही थी कि इन्हें सुखोई 30 से इंटीग्रेट किया जाएगा। और आने वाले कुछ सालों में जहां पे एक तरफ इन फाइटर जेट्स पे जो भी एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और एयर टू एयर विद इन विजुअल रेंज मिसाइल की जो भी मिसाइल्स हैं जैसे कि प्रीवियस R-77 और R-73, ये सारे मिसाइल्स अगले कुछ सालों में इन फाइटर जेट्स से रिटायर हो जाएंगे। तो इसी प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए इंडियन एयरफोर्स चाह रही थी कि सारे जो मिसाइल्स हैं जैसे कि ASRAAM, अस्त्रा और आईडरबी, इन सभी को सुखोई 30 से इंटीग्रेट कर लिया जाए। और ये इंटीग्रेशन उन्होंने बिना किसी रशियन ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किए शुरू कर दिया था, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को लेकर जो भी इजरायली ऑफिशियल्स थे उनका मानना यह था कि वो रशियन ऑफिशियल्स के साथ काम नहीं करेंगे और वो अकेले काम करना चाहते थे इस प्रोजेक्ट पे। तो इसीलिए इंडियन ऑफिशियल्स ने रशिया को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जब सुखोई 30MKI लिया गया था और इस डील के अंतर्गत एक क्लॉज है, उस क्लॉज में क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेपन को इस पे इंटीग्रेट करते हो तो आपको जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है OEM उसको इन्फॉर्म करना लाजमी है। नहीं तो इस इंटीग्रेशन की वजह से अगर कोई भी खामी आती है किसी भी तरह के इसके स्ट्रक्चर में या फिर इसके एरोडायनामिक्स में, तो उस खामी को इसका जो OEM है वो उसका जिम्मेदार नहीं होगा, ना ही उन फाइटर जेट्स की जो मेंटेनेंस है उसका जिम्मा लेगा। और तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रशियन ऑफिशियल्स ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो इन सभी मिसाइल्स को और उस इंटीग्रेशन की वजह से किसी भी तरह की कोई भी बग या फिर परफॉर्मेंस इशू आता है तो हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे। आपको वो सारे फाइटर जेट्स जिन पे नॉन रशियन वेपन इंटीग्रेट हैं उन सभी को लोकली मेंटेन और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो इस स्टेटमेंट के पीछे ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया का एक इनसिक्योर नेचर भी है कि वो एक तरफ देख रहा है कि जो इंडिया का एक बड़ा सा मार्केट उसके पास था एयर टू एयर मिसाइल का, वो उसके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो कहीं ना कहीं इस मार्केट को लेके और इस इंटीग्रेशन को लेके इनसिक्योर है। तो आइए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है या फिर ध्यान में रखा जाएगा अगर ये सारे मिसाइल्स हमारे साइंटिस्ट इस फाइटर जेट पर इंटीग्रेट करते हैं। तो क्योंकि जहां तक इंटीग्रेशन का सवाल है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने ऑलरेडी ब्रह्मोस को बिना किसी हेल्प से सुखोई भी इंटीग्रेट कर दिया था और मोस्ट प्रोबेबली इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आइए डाल लेते हैं एक नज़र इसके इंटीग्रेशन प्रोसेस को लेके और कौन कौन से पैरामीटर को देखा जाता है इंटीग्रेशन के दौरान। वैसे तो ऐसा माना जा रहा है कि MBDA का जो ASRAAM मिसाइल है उसके इंटीग्रेशन को लेके ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन जहां तक इंटीग्रेशन की बात है आईडरबी की, तो आईडरबी के इंटीग्रेशन को लेके इसके सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन तो करने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ इसका हार्डवेयर भी मॉडिफाई होगा और उसके साथ ही इसकी कंपैटिबिलिटी सुखोई 30 में लगे हुए बार्स रडार और इसके अवियोनिक सिस्टम के साथ साथ इसके सारे सेंसर्स के साथ जो भी सॉफ्टवेयर है उन सब में मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो इस चीज़ को लेके रशिया कहीं ना कहीं वरीड है कि इतने सारे मॉडिफिकेशंस के बाद ये सारा सिस्टम पहले की तरह परफॉर्म नहीं करेगा, जिसके लिए आप फाइटर जेट को ब्लेम नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप 280 फाइटर जेट में ये सारे मॉडिफिकेशंस करते हो जो भी सुखोई 30 और आपके मिग्स हैं, तो आपको उन सभी को इंडिया में ही लोकली फिक्स करना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो आइए जान लेते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट पे एक पर्टिकुलर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट के दौरान कौन कौन से फैक्टर पे ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका, जिसे बोलते हैं एरोइलास्टिक या फिर फ्लटर कंपैटिबिलिटी। तो इस चीज को देखा जाता है कि अगर आप कोई मिसाइल इंटीग्रेट कर रहे हो तो उस मिसाइल के इंटीग्रेशन से आपके एयरक्राफ्ट में जो फ्लटर का इशू है वो तो नहीं आ रहा। तो फ्लटर को हमने कावेरी इंजन वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि फ्लटर वो चीज़ होती है जब मास और स्टिफनेस का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सिस्टम के मोशन के दौरान अनइवन हो जाता है, जो कि उसके एरोडायनामिक कैरेक्टर को अफेक्ट करता है।
सो अगर कोई मिसाइल अगर फाइटर जेट पे इंटीग्रेट करते हो तो ये फ्लटर का इशू तब आता है जब आपका मिसाइल आपके फाइटर जेट के एयर फ्रेम पे ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा होता है और उसके ओरिजिनली डिजाइंड एरोडायनामिक्स को अफेक्ट कर रहा होता है, तो इसकी वजह से जो फाइटर जेट का ओवरऑल मनूवरिंग क्षमता है वो भी अफेक्ट होता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि IDRB के इंटीग्रेशन के दरमियान फ्लटर को भी टेस्ट किया जाएगा कि इसके इंटीग्रेशन से किसी फ्लटर का इशू तो नहीं आ रहा है। और इसको चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्टिंग, फाइनाइट एलिमेंटल मॉडलिंग और अनस्टडी एरोडायनामिक्स। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसे टेस्ट करके ये इशू पहले ही पता किया जा सकता है, तो जिसके लिए जहाँ तक उम्मीद है इजरायली फर्म राफायल ये सारे टेस्ट हेल के साथ मिलके कंडक्ट करेगी अगर ये IDRB इंटीग्रेट हो रहा है तो कोई SU-30MKI पे। तो दूसरा फैक्टर है आपका स्टोर सेपरेशन एनालिसिस, तो इस चीज को भी देखा जाता है अगर आपका मिसाइल फाइटर जेट को छोड़ रहा है तो उस अनलोडिंग के दौरान किस तरह का अनबैलेंस क्रिएट होता है, और इस चीज को भी एनालाइज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंप्यूटेशनल एनालिसिस करके, जैसे कि मीडियम स्पीड विंड टनल जिसके साथ कैप्टिव सिस्टम को जोड़ के ये पूरा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और यहीं पे जो भी इजेक्शन कोड है जो कि किसी भी मिसाइल को फाइटर जेट से इजेक्ट करता है या सेपरेट करता है, तो उस कोड को भी यहीं पे एनालाइज किया जाता है आपका। वहीं पे जो चौथा फैक्टर हो जाता है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है और वो है कैरिज पे लोड का एनालिसिस, कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि जब आपका फाइटर जेट उस पर्टिकुलर मिसाइल को कैरी कर रहा है तो उस मिसाइल को कैरी करने के ड्यूरेशन में किस तरह का एरोडायनामिक्स है, किस तरह की मनूवरिंग क्षमता है, किस तरह से वो लैंड कर रहा है और किस तरह से वो मिसाइल को इजेक्ट कर रहा है। तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के कैरेज लोड को एनालाइज किया जाता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इस फैक्टर में होता यह है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो उसके यूजुअल मिसाइल पे किस तरह से परफॉर्म कर रहा था और कौन कौन से परफॉर्मेंस पैरामीटर थे और उन पैरामीटर को क्या अब नए मिसाइल के इंटीग्रेशन ने अफेक्ट किया है। तो ये दोनों पैरामीटर को सामने रख के कंपेयर किया जाता है और फिर देखा जाता है कि इसके परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई गिरावट तो नहीं है, अगर है तो कौन कौन से पैरामीटर को और ठीक करके उसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ ये चार फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है किसी भी मिसाइल के इंटीग्रेशन के दौरान। तो अगर ये सारे फैक्टर्स इंडिया और जो भी बॉडी इन्वॉल्व है इसको इंटीग्रेट और मॉडिफाई करने में SU-30MKI को, तो ये एक सक्सेसफुल इंटीग्रेशन होगा। और जहां तक बात है इस इंटीग्रेशन के बाद इसे मेंटेन करने की, तो SU-30MKI को तकरीबन पिछले 20 सालों से IAF ऑपरेट कर रही है और हेल इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बना रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो आ चुका है। अब वो एक्सपीरियंस काम आएगा इसको मेंटेन करने में कि अगर रशिया बैकआउट कर जाता है कि आपने इस फाइटर जेट को टैम्पर किया है तो इसका मेंटेनेंस हमारे तरफ से खत्म हो चुका है। तो ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन के लिए भी IAF और हेल को तैयार रहना होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि इंडियन एयरफोर्स और हेल क्या चाहती है IDRB के इंटीग्रेशन को लेके, और इसके बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, don't forget to subscribe. Jai Hind.